बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज फ्रॉम मुल्तान। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6। डिपार्ट इज BS इंग्लिश 4th। सब्जेक्ट इज़ द पेडागोजिकल ग्रामर एंड द टॉपिक इज एडजेक्टिव, इट्स रिलेशन एंड टाइप्स। एडजेक्टिव बिटवीन द रिलेशन इन एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडवर्ब and the types different we will discuss in this lecture. My name is Ikra Khan. Okay, I will start our lecture. The topic is you know that our adjective, its relation and its types. Okay, the complete adjective topic. तो इसको start करते हैं adjective से। जी, the adjective. First of all, read the following sentences. Sentence number 1. Sita is a clever girl. Okay, bracket में देखें, girl of what kind? कि किस किस्म की वो लड़की है जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। सीता इज़ अ clever girl. तो clever का डेफिनेटली kind जो है वो clever की है, कि वो बड़ी चला किस्म की लड़की है, तो वो kind जो होगी वो clever है। Second sentence, I don't like that boy. मुझे ये लड़का जो है मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इस लड़के को पसंद नहीं करता। तो विच बॉय यानी कौन सा लड़का, तो वो डैट। ठीक है, तो डैट जो यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। थर्ड सेंटेंस है, ही गेव मी 5 मैंगोज। हाउ मैनी मैंगोज, कितने जो हैं वो मैंगोज, तो 5 मैंगोज। देयर इज लिटल टाइम फॉर प्रिपरेशंस, हाउ मच टाइम। लिटल टाइम यानी बहुत कम वक्त है तैयारी के लिए यहाँ पर, तो वो लिटल जो है वो हाउ मच टाइम, तो वो लिटल होगा। इन सेंटेंस 1, क्लेवर शोज वट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, और इन अदर वर्ड्स क्लेवर डिस्क्राइब द गर्ल सीता। तो क्लेवर जो है वो आपका एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव होता है किसी भी क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, तो वो एडजेक्टिव है। क्वालिटी में क्वान्टिटी भी आ जाती है, नंबर आ जाता है, साइज आ जाता है, शेप आ जाता है, कलर आ जाता है। ठीक है, डिजिट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसमें नेगेटिविटी भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल नॉटी बॉय है या इवल वन है, कुछ भी यानी बुरा इंसान है, बैड है, कुछ भी यानी ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटीज़ होंगी इसके अंदर, क्वालिटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी काउंट होगी, और जो मैंने आपको जितने भी बताए हैं वो भी इसमें काउंट होगा। जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को पढ़ा था, इसकी टाइप्स को पढ़ा था, तो वो ईजी है इसको करना, वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला। ओके, अब हम इसके फर्दर जो है वो आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस 2, डैट पॉइंट्स आउट विच बॉयज मेंट डैट, यानी उसको किया था, और 5 मैंगोज थे, यहाँ पे लिटल टाइम था, ये सारे जो थे एडजेक्टिव थे। ओके, एडजेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ पर एक बार फिर देख लें। अ वर्ड डैट वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। ठीक है, जो भी वर्ड एज अ नाउन यूज हो रहा है और उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, द पर्सन है उसमें, एनिमल आ सकता है, प्लेस है, थिंग है, विच द नाउन नेम्स। ठीक है, जो भी चीज़ जो नाम के नाउन के होते हैं, फॉर एग्जांपल इज एवरी थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम नाउन कह सकते हैं, और टू टेल द नंबर और क्वान्टिटी इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यहाँ पे इन्होंने बहुत जो है वो शॉर्टन वे में बता दिया, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी, और अभी भी थोड़ा बताया है कि इसमें क्वांटिटी, नंबर, शेप, साइज, कलर, डिजिट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। अब नेक्स्ट इसको जो है वो करते हैं। सो वी डेफिनेटली सो वी मे डिफाइन एन एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू एड समथिंग फॉर दिस मीनिंग। ठीक है, यानी वो एडजेक्टिव वो है जो यूज़ हो रहा है नाउन के तौर पर, और इसके मीनिंग को थोड़ा और बढ़ा देता है, यानी इसमें ऐड कर देता है, कुछ एडिशन वगैरह हो जाता है नाउन में। एडजेक्टिव मीन्स एडिड टू, एडजेक्टिव का मतलब है ऐड करना। जैसे कि अगर मैं किसी गर्ल की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके अगर बता दूँ कि वेरी प्रिटी गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, और अगर मैं किसी गाड़ी की कार की बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँ रेड कार या ब्लू कार, तो वो भी जो है वो ऐड हो रहा है इस तरह से। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, द लेज़ी बॉय वाज पनिश्ड। अब आपको इसमें पता चल रहा है बॉय की काइंड बताई गई है, लेज़ी, द बॉय इज़ लेज़ी, ये सेकंड में यानी उसको डिफाइन कर दिया है कि वो क्या है। लेज़ी जो है वो एडजेक्टिव है।
जी, इसी तरह अगर हम इसकी एडजेक्टिव की काइंड्स को देखते हैं तो एडजेक्टिव्स में भी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे शो द काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी उसकी क्वांटिटी यानी मिकदार को शो करना। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, दिस इज़ अ ग्रामर टू द इंग्लिश। अब यहाँ पे ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ना, इसमें आ गया है प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन जो है वो यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड, यहाँ पे देख लें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट एज। अब देखें, आई एट सम राइस, मैंने थोड़े से जो है वो चावल खाए, तो सम जो है वो इसमें एडजेक्टिव है। ही शोड मच पेशेंस, मच, अब ये सारा आ रहा है क्वांटिटी में, सम मच लिटल, थर्ड वाले में देखें ही हैज़ लिटल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये लिटल, सम, मच, फ्यू, ये सारे जो होंगे इनफ, लास्ट, अच्छा इनफ है फोर्थ में, ये सारे हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स हैं ये क्वांटिटी में, क्वांटिटी में ये एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह देखें फिफ्थ वाली, अगर आप एग्जांपल देखें, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी दौलत जो है वो गवा दी, तो ऑल जो है वो इसमें आ जाएगा ऑल। और उसके बाद सिक्स में देखें, यू हैव नो नो सेंस, तो नो आ गया, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी आ गया, ही टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ग्रेट यानी ज़्यादा, तो ये आ गया, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, तो इसमें आ जाएगा हाफ, क्वांटिटी है ना, तो देयर हैज़ नॉट बीन सुफिशेंट रेन दिस ईयर, सुफिशेंट आ गया, द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, तो होल आ गया, ठीक है, इस तरह से ये होंगे, इसमें आपने अंडरस्टैंड कर लेना है जी। वहाँ पे आ गया था क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी की एग्जांपल जो थी वो भी हमने देखी हैं। अब यहाँ पे है नंबर में, ठीक है, क्वांटिटी में जो है वो दो तरह से होता है कि एक तो नंबर में आ जाता है और एक जो है वो क्वांटिटी में आता है कि ज़्यादा है या थोड़ी है। तो नंबर यानी डिजिट में, अगर न्यूमेरल्स में देखें तो इसमें आ गया फाइव, आ गया फ्यू, और इसी तरह से और हैं, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो नो आ गया, आई हैव नो मैनी, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी है, ऑल मैन मस्ट डाई। अब इसमें न्यूमेरल्स जो हैं वो किस तरह हैं कि आप जिस तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं तो वो न्यूमेरल होंगे, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे लिटल वाटर है या सम मिल्क है, तो आप दूध को यानी मिल्क को, वाटर को, राइस को जो है वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो वाले जो है वो क्वांटिटी में होंगे, ये जो है न्यूमेरल्स में है, जैसे द हैंड्स हैज़ फाइव फिंगर्स, फिंगर्स को आप काउंट कर सकते हैं, ये फाइव है, फ्यू कैट्स, कैट्स को काउंट कर सकते हैं, नो पिक्चर्स, पिक्चर्स को काउंट कर सकते हैं, इन दिस बुक आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, अब वो बातों को आप काउंट, चीज़ें जो है वो बताई हैं उनको आप देख जो है वो काउंट कर सकते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल तमाम, ठीक है, उनको अभी। इसी तरह से है, हेयर आर सम राइप मैंगोज, तो सम, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, बॉयज़ है, मोस्ट आ गया यानी बहुत अक्सर जो है, यानी बहुत से अक्सरियत जो है वो लड़कों की, तो वो इसमें मोस्ट बॉयज़ है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, सेवरल यानी बहुत, कई मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स को भी काउंट किया जा सकता है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, तो ये फर्स्ट यानी संडे जो है वो फर्स्ट डे है, इसको इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है जी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी इसको कहा जाता है, आर ऑफ थ्री काइंड्स, इनकी थ्री काइंड्स है,
डेफिनेट न्यूमेरल्स जो हैं वो एडजेक्टिव विच डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर एज, जिसमें एग्जैक्ट नंबर यानी डिजिट दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, इनको कहते हैं कार्डिनल्स. अब जो हैं ऑर्डिनल्स वो क्या होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी जो इस तरह से दिए गए हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, ठीक है ना, इंग्लिश काउंटिंग होती है जो, उसको आप बोलेंगे ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स होंगे यानी जो नंबर में दिया गया है, 1, 2, 3, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं इसको आप. इंग्लिश जो है वो काउंटिंग जो है वो फर्स्ट में दी हुई है जो कार्डिनल्स में है. अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मैथमेटिकल जो है वो काउंटिंग में आ सकता है, तो इसको आप ऑर्डिनल्स जो है वो कहेंगे. आगे है द कार्डिनल डिनोट्स हाउ मैनी एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज. इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनल्स रियली डू वर्क ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब देख लेते हैं. अच्छा, इसमें है इनडेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज ऑल. इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होंगे इनडेफिनेट के उसमें ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, लिटल, इस तरह से जो है सेवरल दिया होगा, प्लेंट्री, इस तरह के वर्ड्स भी आ जाएंगे उसमें. तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कार्डिनल्स हैं या ऑर्डिनल्स हैं, डेफिनेट हैं, इनडेफिनेट हैं, पता चल जाएगा. अच्छा जी, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ नंबर एज ईच बॉय. इसमें ईच आ जाएगा, ठीक है, इंडिया एक्सपेक्ट एवरी, इस तरह के आ जाएंगे ईच एंड एवरी. अदर एवरी के बाद देखें, इधर भी लिखा हुआ है, इधर पेन विल डू ऑन ऑन जो है वो नदर आ जाएगा, जैसे है यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें. ठीक है, इधर नदर नदर एक्विजिशंस इज ट्रू. आप देखें द सेम एडजेक्टिव्स मे बी क्लॉज्ड एज ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द यूज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, इसके यूज़ के अकॉर्डिंग. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, अब ये दो हैं, इन दोनों में है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर में क्या है और क्वांटिटी में क्या है, तो वो देख लेते हैं. आई एट सम राइस, क्वांटिटी है इसमें, हमें एग्जैक्ट नहीं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, He has lost all his wealth. You have no sense. तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है. He did not eat any rice. I have enough sugar. ठीक है, इस तरह के. अब जो है adjectives of number, उसमें देखें, some boys are clever. All men must die. There are no pictures in this book. Are there any mangoes trees in this garden? There are not enough spoons. इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, इनमें कंपैरिजन किया है और आपको अंडरस्टैंडिंग में भी जो है वो बहुत आसानी होगी अगर आप इस तरह से करते हैं. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो आ गए हैं नेक्स्ट. अब देखते हैं इसमें क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो भी हमने पहले भी पढ़े हैं, पॉइंट आउट विच पर्सन्स और थिंग इज मेंट एज. दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी. दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस. तो दीज मैंगोज आर सोर. Those rascal must be punished. इसमें यानी जो demonstrative adjectives होगा उसमें देखें जी, इसमें use किया गया है इन्होंने stronger. ठीक है, इसमें जो stronger use किया है वो किसके साथ किया हुआ है, तो वो this boy होगा. यानी अगर इसमें ना this, that and those and these के words जो हैं वो use किए गए हैं, देख लें यहाँ पे उन्होंने mention भी किया है. जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर्स द क्वेश्चन विच, ये आंसर करते हैं विच यानी कौन से. तो इट विल बी नोटिस डैट, दिस एंड डैट आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स एंड दिस एंड एंड दोज विद यूज आर प्लूरल नाउन्स. यानी आपको पता हो कि दिस और डैट जो है वो सिंगुलर्स के लिए यूज़ होगा, जबकि दिस एंड दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा. दिस ये एक के लिए होता है, जबकि दिस ये जो है ज़्यादा के लिए होगा.
दैट वो है और वो एक के लिए यूज़ होगा, जबकि दोस वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब 7.75 में देख लें, पॉइंट में व्हाट व्हिच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउंस टोस्ट टॉस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब जिसमें नेक्स्ट आ जाता है यानी कि विच आ रहा है, व्हाट आ रहा है, हुज आ रहा है, व्हेन आ रहा है, वो होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, विच वे शैल वी गो, हुज बुक इज दिस। ठीक है, इट विल बी सीन दैट व्हाट इज यूज्ड इज अ जनरल सेंस एंड विच इन अ सेलेक्टिव सेंस। अब इसमें देखें, सेलेक्टिव सेंस के लिए विच यूज़ किया है, जबकि जनरल सेंस के लिए जो है वो व्हाट यूज़ किया है। अब इसकी ग्रामर हम अगर हम देख लें, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू व्हिच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स दिस शिप। अब इसके एग्जांपल्स जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, दिस शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। इसमें आपने एडजेक्टिव्स को जो है वो अंडरलाइन कर लेना है, जो जो आपको लग रहा है कि एडजेक्टिव्स हैं इन सेंटेंसेस में, उनको जो आपको एडजेक्टिव्स लग रहे हैं उनको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना है और बताना है कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी वो कौन से वाले एडजेक्टिव्स हैं। टाइम उसमें आ जाते हैं जो क्वांटिटी में, उसके बाद नंबर जो आ जाता है न्यूमेरल्स में, और उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं वो आपने अलग से जो है वो हाईलाइट कर देने हैं, तो इजी हो जाएगा वो भी। इनको देख लें अच्छी तरह से, और ये जो है वो आप लोगों ने ख़ुद करना है, और मुझे जो है वो इसका फीडबैक भी बताना है कि आपने इसको किस तरह से किया। ये एक्सरसाइज है पूरी, यहाँ से इसको एक बार फिर देख लें। ट्वेंटी एट इनफ है, इनमें से 28 के जो हैं वो आप देखेंगे और आप बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे इसकी स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, या ख़ुद से जैसे भी आप लोग इजीली इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको इसकी कितनी समझ आई, या आप अंडरलाइन करके ऊपर इसको मैंशन करेंगे कि ये कौन से वाला एडजेक्टिव है, कि किस से बिलोंग कर रहा है ये, तो वो आप मुझे जो है बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, और ये 7.7 यानी 77 में देखिए, अगर आप लास्ट लाइन है जो इसकी, इसमें लिखा हुआ है द वर्ड विच व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स एज। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स जो है वो एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन साइन, जिसमें सम सडन फीलिंग्स हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स जो हैं वो कौन से होंगे, इसके एग्जांपल्स भी यहाँ मेंशन है, मैं आपको भी जो है वो दिखाती हूँ जी। ये स्टार्ट पे जो है ये एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की। व्हाट जीनियस, व्हाट फुली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल्स होंगी एडजेक्टिव की, जिसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन भी है। और अब देखते हैं 78 पॉइंट में, एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दिस एंड डेट आर ओनली एडजेक्टिव्स विच आर इन्फ्लेक्टेड और चेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हाउ शो नंबर, दिस गर्ल सिंग्स। ठीक है, आप देखें, जब एक के बारे में बात होगी तो आपके वर्ब के साथ एस सी आई एस जो है वो लगेगा, जबकि जब प्लूरल होगा तो वर्ब जो है वो एज इट इज़ आएगा, उसमें कोई एस सी आई एस का जो है वो एडिशन नहीं की जाएगी। दिस गर्ल सिंग्स, दैट बॉय प्लेज, दोज बॉयज प्ले। ठीक है, इस तरह से इसको आपने कंप्लीट करना है जी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब जो है वो एडजेक्टिव्स में किस तरह से चेंज किए जाते हैं। जैसे कि टायर है तो टायरलेस, सीजलेस,
टॉकेटिव मूव है तो मूवेबल, ये देखें इस तरह से इनको चेंज कर दिया है एडजेक्टिव में। अब कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको एडजेक्टिव ही बनाया जाता है और थोड़ी सी चेंजिंग के बाद, जैसे ट्रेजिक है तो ट्रेजिकल, ब्लैक है तो ब्लैकिश, होल है तो होलसम, वाइट है तो वाइटिश, ट्री से ट्री फोल्ड, सिक से सिकली। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड्स होंगे जिस तरह से इनको चेंज करते हैं जी। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन एडजेक्टिव्स की। ये कंपैरिजन एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं। रामाज मैंगो इज़ स्वीट, यानी जो रामा का मैंगो है वो बहुत स्वीट है, मीठा है। हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रामाज, यानी हरी का जो मैंगो है वो रामा से भी ज़्यादा स्वीट है, यानी स्वीट है यानी मीठा है। गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, जबकि गोविंद्स का जो मैंगो है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। देखिए अब इसमें थ्री जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, वो हमने काउंट की हैं, इसमें डिस्कस की है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, जो है रामाज मैंगो इज़ स्वीट। सेकंड है कंपेरेटिव, यानी कंपेयर करना। ये हमने सेकंड में कंपेयर किया है हरी के और रामाज के मैंगोज़ को। उसके बाद थर्ड पे आ गया है गोविंद वाला जो है वो टेंस, वो होता है सुपरलेटिव, जिसमें आप मोर देन यानी सबके साथ ही उसका कर देते हो, उसमें कोई टू नहीं होता, मोर देन टू होता है कि आप ज़्यादा उसको, दो से ज़्यादा उसमें होते हैं, इसके साथ आप कंपेयर करते हैं। ये हो गई इसकी 3 डिग्रीज जी। अभी जो हमने देखे थे सेंटेंसेस तीन, मैं आपको बता रही थी कि ये डिग्रीज हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन जिनको कहा जाता है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन है। वी दस सी द डेट एडजेक्टिव चेंज इन टू फ्रॉम स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट टू शो कंपेरिजन। इसमें कंपेरिजन होता है स्वीट एक के लिए, स्वीटर मोर देन स्वीटर टू के लिए, एंड स्वीटेस्ट मोर देन टू, यानी ऑल के लिए। टू शो कंपेरिजन दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव डिग्री, द एडजेक्टिव स्वीटर इज द कंपेरेटिव डिग्री, द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी द सुपरलेटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज देन एडजेक्टिव इज एन सिंपल फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एक्सटेंस ऑफ सम क्वालिटी, इसमें सिर्फ क्वालिटी जो है वो बयान की गई होती है, वट वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज वैन टू कंपेरिजन इज मेड, कि इसमें कोई ये होता है कि हम उसको कंपेरिजन बना रहे होते हैं इसमें, कि आपके वाला जो है वो बहुत अच्छा है, बट जब हम उसको किसी और दूसरे के साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो कंपेरेटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से वो चेंज हो जाता है कंपेरेटिव में। इसी तरह जब हम उसको कह देते हैं कि ये सबसे अच्छा है, ये क्या कि किसी का हो ही नहीं सकता इस तरह की जो चीज़ है, तो वो आ जाती है सुपरलेटिव में। ठीक है, जिसका वो कोई कंपेरिजन नहीं होता। ये देख लेंगे किस तरह से जो है वो जो है कंपेरेटिव डिग्रीज जो है वो बनाई जाती हैं। कंपैरिजन जो है वो किस तरह से होगा, पॉजिटिव का, कंपेरेटिव का और सुपरलेटिव का। जैसे स्वीट है तो स्वीटर स्वीटेस्ट, स्मॉल है तो स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बॉल्ड बॉल्डर बॉल्डेस्ट, क्लेवर। ठीक है, इसी तरह से क्लेवर से क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट है, काइंडर काइंडेस्ट है, यंग का यंगर एंड यंगेस्ट है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट है। इस तरह से नीचे और भी दी हुई हैं, जिसमें इनके ब्रेव ब्रेवेस्ट है और फाइन से फाइनेस्ट है, वाइलर एंड वाइलेस्ट है, वाइटर वाइटर वाइटेस्ट है, इस तरह से होंगी। और कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि हैप्पी है तो हैप्पियर है, हैप्पीएस्ट इजियर इजीएस्ट, इस तरह ये देख लें, जिसमें डबल जो है वो डी और डबल जी आर है। इसमें जिस तरह बिग है तो बिगर बिगेस्ट है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट है, थिन थिनर थिनेस्ट है। अच्छा, अब कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनको आप जो है वो चेंज नहीं करते। जैसे ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके साथ आप मोर एंड मोस्ट लगा देते हैं। मोर जो है वो कंपेरेटिव में आता है, जबकि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल के साथ आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है।
जी, अब जैसे कि कुछ कंपैरिजंस जो हैं वो इरेगुलर कंपैरिजंस में आते हैं, जैसे कि इसमें बताया हुआ है द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, डेट इज़ देयर कंपेरेटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव। तो आप उसको जो है वो इस तरह से बनाएंगे, जिस तरह गुड है तो उसके साथ बेटर एंड बेस्ट आ जाता है, बैड है तो उसके साथ इवल इल या वर्स वर्स्ट आ जाता है, लिटल है तो लेस लेजर एंड लीस्ट आ जाता है, लिटल लेस एंड लीस्ट होता है, ठीक है। तो मच है मोर मोस्ट आ जाएगा, मैनी का मोर एंड मोस्ट आ जाएगा, मच और मैनी का जो है वो सेम है, और लेट है तो लेटर और लेटेस्ट आ जाएगा, या लास्ट भी आ सकता है, इसके बाद ओल्ड है ओल्डर एल्डर और एल्डेस्ट भी आ सकता है, ओल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। फार है तो फारदर एंड फारदेस्ट आ सकता है, इस तरह से। नाइट है आई थिंक आगे आपको जो है वो, ठहरे मैं आपको इसको शो करवा देती हूँ, ये देख लें, ठीक है। अप है अपर अप मोस्ट अपर मोस्ट इस तरह से आ जाएगा, आउटर आउटेस्ट है, अटमोस्ट भी आ सकता है, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में यहाँ पे जो है वो शो किया हुआ है, जॉन इज़ माय एल्डर ब्रदर, टॉम इज़ माय एल्डेस्ट सन, ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, रामा इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, और दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंपेरिजन डिग्रीज का जो है वो यूज़ किया गया है। जी अब जैसे कि इसमें देखें एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, ठीक है, एज नाउन्स में हम देखें एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज एज नाउन, एडजेक्टिव को जो है वो नाउन में अक्सर जो है वो यूज़ किया जाता है, एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स, एज जैसे यहाँ पे कॉशंस हैं तो कॉशंस पर्सन्स आर नॉट ऑलवेज कवर्ड, द रिच है तो रिच पीपल, नो नॉट हाउ द पुअर पुअर पीपल लिव, वीक वीक पीपल, एज अ सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एज द फ्यूचर द फ्यूचरिटी इज नोन टू अस, He is a lover of the beautiful, ठीक है। तो ब्यूटी इज़ अ जनरल, यानी ब्यूटी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसको जो है वो किस तरह से जो है उसमें एडजेक्टिव में हम कर लेते हैं चेंज, तो वो नाउन ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है ना, तो नाउन्स को भी जो है वो एडजेक्टिव में जो है वो यूज़ किया जाता है। जी अब इसको देखें द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स को जो है वो इस तरह से यूज़ किया जाएगा, सम एनी टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री इज़ यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होता है सेंटेंसेस जो होते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, सिंपल पॉजिटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव डिक्लेरेटिव, तो ये एक ही हैं, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और किसी भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इनको यूज़ किया जाता है, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव हो गए सिंपल, उसके बाद नेगेटिव जिसमें मनफी यानी कि नोट वगैरह यूज़ हो रहा होता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें यूज़ होता है। जी वो कैसे होगा कि देखें आई विल बाय सम मैंगोज, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, तो इस तरह से उनमें चेंजिंग आएगी, आई विल बाय सम मैंगोज, तो होगा वही बट यूज़ इस तरह से हो जाएगा कि नॉट आ गया और स्टार्टिंग में हैव या कोई भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, इसमें जो डैश है इसमें आपने खुद से कोई एडजेक्टिव जो है वो यूज़ करना है, तो इससे भी जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा ये आपको कि आप जो है वो किस हद तक आपने इसको अंडरस्टैंड किया है इस लेक्चर को, एडजेक्टिव की आपको कितना हद तक जो है वो समझ आई है, इसकी टाइप्स को आपने पढ़ा है तो वो आपको जो है वो कितनी हद जो है अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है उसकी, तो ये इस तरह से जो है वो आपने इसको कम्प्लीट करना है। आई होप सो कि आपने सबको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा, आपके पास लेक्चर है आप इसको जो है वो समझ सकते हैं, जहाँ से आपको समझ नहीं भी आई है
एक बार खुद अच्छी तरह से भी देखें, अगर नहीं आ रही है तब भी समझ तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो और आज जो हमने सारा पढ़ा है एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव्स की टाइप्स को पढ़ा, उसको उसकी कन्वर्सेशन को पढ़ा कि वो अगर नाउन में भी वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव में भी बनाया जा सकता है, नाउन्स के साथ बनाया जा सकता है, और इसकी कंपेरिजन डिग्रीज को किस तरह से किया जाता है, और इसकी टाइप्स क्या है यानी क्वान्टिटी है, नुमेरल्स में कार्डिनल और ऑर्डिनल्स हैं, इनको जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से होता है। आई होप आपने इन सबको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में।